खरगोन जिले के भगवानपुरा के चौखंड क्षेत्र में 2011 में बने 50 करोड़ से अधिक की लागत के खारक बांध प्रभावितों का मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मंगलवार दोपहर में रैली के रूप में पहुंचे प्रभावितों ने दिन भर प्रदर्शन के बाद रात भी कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर बिताई। प्रभावित महिला और बच्चों के साथ सड़क पर ही खाना सोना कर रहे हैं। प्रभावितों का कहना है कि मुआवजा लेकर ही घर लौटेंगे। बाद निर्माण से चौखंड और बड़वानी जिले के 379 आदिवासी परिवार प्रभावित हैं। इनमें 235 परिवारों की जीआरए में सुनवाई की। 2017 को 129 प्रभावितों के 6 करोड़ 40 लाख रुपए के मुआवजा आदेश पारित किए गए थे। प्रभावित बलिराम सोलंकी ने कहा कि मुआवजे के नाम पर हर बार धोखा दिया गया, इसी मांग को लेकर सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दोबारा आए हैं तो हमें अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा। अब तक 129 लोगों को जीआरए की रुकी 50% राशि के साथ 128 लोगों को हक का पैसा नहीं मिला है। क्या सरकार आदिवासियों की नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये 128 और 129 का दोनों का एक साथ फैसला नहीं हुआ जहाँ तक हम हमारे धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे, क्योंकि हमें पिछले 4-5 सालों से ऐसी सरकार शासन और प्रशासन हमें गुमराह किया जा रहा है और रोज और हमें एकदम गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है। हम अब ज्यादा गरीबी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सरकार और शासन और प्रशासन इस आंदोलन के ऊपर नजर डाले और मुसीबत को देखते हुए इस जीआरए सबको हटा के सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करें और हमें इस झंझट से मुक्त करें। क्या पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला सन 2011 में खारक डैम बना, जो चौखंड में सन 2011 में खारक डैम बना। 11, 12, 13, 14 में डैम पूरा हुआ, 15 में डैम भर के सब किसानों को डुबाया गया। सरकार ने मनमानी अवार्ड पारित की, सूखी जमीन का 60,000 रुपए, प्योर जमीन का 1,20,000 रुपए हेक्टेयर के मान से मुआवजा दिया। किसानों को नहीं के बराबर हम ये मुआवजा नकारते हुए हमने कोर्ट लगाई। कोर्ट ने हमारे सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, जो भी डूब प्रभावित होता है उन्हें पुनर्वास मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमें पुनर्वास मिला। पुनर्वास के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि को वितरण करने का कहा, 3 महीने था, लेकिन शासन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जीआरए वो जीआरए ऐसे बिठा कर गुमराह करके हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हम इससे ज्यादा इनके बातों में नहीं आकर हम जल्दी से जल्दी फैसला चाहते हैं और जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले। क्या नाम है? मेरा नाम बलिराम सोलंकी, जागृत आदिवासी दलित संगठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।